हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं 13 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में 4 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। इसके पहले 8 राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए थे। तो सभी जो 12 राज्यपाल हुए उनको देख लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर रिविजन बड़ा ज़रूरी होता है। तो आर एन रवि को बनाया गया है तमिलनाडु का नया राज्यपाल, और बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब का, जगदीश मुखी को असम के साथ साथ नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बनाए गए हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। एल गणेशन, इनको बनाया गया है मणिपुर का नया राज्यपाल, और थावरचंद गहलोत, ये बने हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय, ये हैं राज्यपाल कहाँ के, हरियाणा के हैं। सत्यदेव नारायण आर्य, ये बने हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल। रमेश बैस को बनाया गया झारखंड का राज्यपाल, और छंगूभाई मंगूभाई पटेल, ये बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल। हरिबाबू कंभमपति को बनाया गया मिजोरम का नया राज्यपाल, और श्रीधरन पिल्लई, ये बने हैं गोवा के नए राज्यपाल। और आपको पता ही होगा कि विजय रूपाणी, जो कि मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अभी गुजरात में नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया गया है। और अब बारी है स्टेटी जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसे भारत के चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान की बात हो रही है, चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि CLE के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, इनका नाम क्या है, संजय लीखा। क्या नाम है, संजय लीखा। कीवी क्रिएटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो कीवी किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को, यानी कि ये जो पुरस्कार है ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। तो कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का मतलब हो गया कैसा खिलाड़ी जो कि कहाँ का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो। और यह पुरस्कार किसको दिया गया है, काइल जेमिसन को। प्रतिष्ठित 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है, यह प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको आपको रट कर रखना होगा। और इनका नाम है थॉमस विजयानी। और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को किसने मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इस योजना के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और ये योजना कहाँ की है, राजस्थान की है। अब एक प्रश्न आपसे, इसका उत्तर आप बताओ, आंसर करूंगा मैं वीडियो के अंत में। किस तारीख को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो प्रश्न बहुत टफ नहीं है, आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है। और यह प्रश्न यहां पर क्यों, क्योंकि यह SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, तो यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने के लिए किस राज्य ने निर्णय लिया है। ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ 17 सितंबर 1879 में, डेथ हुई कब, 24 दिसंबर 1973 में। तो कौन है पेरियार, इनका पूरा नाम है इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, अन्य नाम है EVR पेरियार, वाइकम विरार वगैरह वगैरह। पेशा राजनीति, और पार्टी क्या थी इनकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जस्टिस पार्टी यानी कि द्रविड़ कड़गम। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 6 सितंबर को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सुधारक और द्रविड़ कड़गम के संस्थापक ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक अभियान चलाने वाले समाज सुधारक की जयंती 17 सितंबर को पड़ती है। उसी दिन क्या होता है, विश्वकर्मा पूजा भी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पेरियार ने तमिलनाडु के लोगों के मन में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाई थी, उन्हें प्यार से थनथाई पेरियार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट उनका लोग अक्सर याद रखते हैं, स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कभी कहा था कि ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के कथन है ये। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के पहले 8 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत में 46% की वृद्धि हुई है। तो ये आयोग है यहाँ पर, राष्ट्रीय महिला आयोग, और वर्तमान में रेखा शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं।
और बात करें अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम प्रमुख कौन थी, इनका नाम था जयंती पटनायक। और राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर वोमेन NCW भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। तो प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। किस शहर को हाल ही में अपना पहला पराग कैलेंडर मिल गया है, पराग कैलेंडर, तो ये मिल गया है चंडीगढ़ को, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर पराग कैलेंडर होता क्या है, आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 20-30% जनसंख्या परागज ज्वर यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि हे फीवर से पीड़ित है। करीब 15% लोग दमा यानी कि अस्थमा का शिकार हैं। पराग को एक प्रमुख बाहरी वायु के साथ प्रवाही एलर्जन भी माना जाता है। यह मनुष्यों में परागज ज्वर यानी कि एलर्जिटिक राइनाइटिस, अस्थमा और एक्जिमा अर्थात अटॉपिक डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा में खुजली और सूजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रेखांकित और वर्गीकृत किए जाने वाले वायुजन्य यानी कि एयरबर्न एलर्जी कारक परागकणों के समय की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। इसको अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किस मौसम में और किस क्षेत्र में इस प्रकार के जो पराग हैं वो अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं, इसके बारे में एक कैलेंडर बनाया गया है और इस कैलेंडर को आम जन तक पहुँचाया जाएगा ताकि ऐसे समय में जब वो बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और ऐसी जो एलर्जी उनको होती है पराग की वजह से उससे वो बच सकें। तो सामुदायिक चिकित्सा विभाग और जन स्वास्थ्य विद्यालय स्नातकोत्तर चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान की PGIMAR चंडीगढ़ ने वायुजन यानी कि एयरबोर्न पराग स्पेक्ट्रम की मौसमी अवधिकर्ताओं की जाँच की है और चंडीगढ़ शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर जो है उसे विकसित किया है, जारी किया है। तो इसे जारी किसने किया है, PGIMAR ने। आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, उस टॉपिक पर सरलतम भाषा में मैं वीडियो आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। करंट अफेयर के लिए आप हमारी मंथली जो मैगजीन आती है एक PDF की, वो परचेज कर सकते हैं या फिर कंबाइंड PDF भी आप परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने 2021 में चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमाएं पूरी की हैं, तो ये होगा चंद्रयान 2, ऑप्शन ए इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रयान 2 को 2 साल पूरे होने के मौके पर इसरो ने 6 सितंबर को चंद्र विज्ञान कार्यशाला का आयोजन भी किया था। इसका उद्घाटन इसरो के प्रमुख, क्या नाम है उनका, के सिवन ने किया था। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के आसपास 9000 से ज़्यादा चक्कर पूरे कर लिए हैं और उसमें लगाए गए इमेजिंग यानी कि तस्वीर लेने वाले और वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से इसरो को एक बेहतरीन डेटा भी वो मुहैया करा रहा है। बात करें अगर चंद्रयान 2 के बारे में, तो चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा यह चंद्र अन्वेषण अभियान है यानी कि मून एनालिसिस अभियान है ये, और जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इसे विकसित किया है। अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और ये कब प्रक्षेपित हुआ था, तो इसे चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय के अनुसार 2:43 पर इसे प्रक्षेपित किया गया था दोपहर में। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ही चंद्रमा का रिमोट सेंसिंग और इन सीटू अवलोकन कर रहा है। 15 सितंबर को लॉन्च किया जाने वाला इंस्पिरेशन 4 किस देश का स्पेस फ्लाइट है या फिर किस स्पेस एजेंसी का स्पेस फ्लाइट है, तो आंसर हो जाएगा इसका SpaceX, ऑप्शन सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसका क्रेडिट दिया गया है इंस्पिरेशन 4 को। तो फ्रेंड्स ये चार लोग जो हैं यही जा रहे हैं इंस्पिरेशन 4 के साथ अंतरिक्ष के भ्रमण के लिए। तो यह SpaceX की पहली सर्वनागरिक गैर सरकारी उड़ान होगी। ये चार निजी नागरिकों के समूह को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में ले जाएगा और इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो 3 दिनों के लिए यह जो है अंतरिक्ष के लिए जा रहे हैं एक सैर पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है, तो उत्तर हो जाएगा इसका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो पोर्टल कौन सा है, प्राण.cpcb.gov.in।
ये शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति की ट्रैकिंग का समर्थन करेगा और जनता को वायु गुणवत्ता पर आधारित जानकारी को प्रसारित करेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये याद रखना कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को 2019 में लागू किया था। तो अगर प्रश्न एग्जाम में आया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को कब शुरू किया गया तो आपका उत्तर जाएगा 2019 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक कणिका तत्व जिसे आप PM10 और PM2.5 के नाम से जानते हैं इसकी सांद्रता में कंसंट्रेशन में 20-30% की कमी को लाना है। कब तक? ये टारगेट 2024 तक का है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफेन 502 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। यह चीन द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सीरीज का 24वां उपग्रह है यानी कि चीन अब तक जो है पृथ्वी अवलोकन के लिए कुल 24 उपग्रह भेज चुका है। तो चीन के बारे में आप जानते हैं, कंट्री इन ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया का एक देश है। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग है। कैपिटल बीजिंग है। पॉपुलेशन कितनी है? 139.77 करोड़। करेंसी वहाँ पर चलती है रेन मिनबी। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि चीन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मंदारिन। और एक बात और भी याद रखना कि दुनिया में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो मंदारिन ही है। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता जताई है और इस देश को आतंकवाद की पनाहगार बनने से रोकने की अपील की है। संगठन के प्रमुखों की गुरुवार को ही वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो याद रखना कि इसकी जो बैठक हुई है इस साल भी वर्चुअल ही हुई है और ब्रिक्स की यह 15वीं सालाना बैठक थी और भारत इस साल के लिए इसका अध्यक्ष है। तो याद रखना कि ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। थीम इसकी क्या है? थीम है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सियसनेस। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्ड बैक रेजिलिएंटली इनोवेटिवली क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया है। तो ये आपको याद रखना होगा। और ब्रिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं जैसे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ किया गया और ब्रिक्स ने और भारत ने तीसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की है, सबसे पहले 2012 में, फिर 2016 में और 2021 में। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले 2016 में जब गोवा में हुआ था सम्मेलन तब भी उसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री मोदी भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुके हैं। और इस सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ये बताओ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका इकबाल सिंह लालपुरा। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं रहने वाले पंजाब के और इन्होंने सिख दर्शन पर कई सारी किताबें भी लिखी हैं। अब यहाँ पर जो अन्य विकल्प हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताता हूँ। विजय सापला को क्या बनाया गया है? तो विजय सापला जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जसवंत सैनी को बनाया गया है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का। और डॉक्टर राम बाबू हरित को बनाया गया है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का। तो सारे यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप। ये एक रेलवे का वर्कशॉप है और ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां पुरस्कार प्राप्त किया है। और फ्रेंड्स अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे यानी कि सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक की किताब आई है, इसका विमोचन किया गया है हरियाणा के जो CM हैं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक एक किताब आई है, यह उदय भाटे की किताब है। गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है 2024 से लेकर 2027 तक एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष।
और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया 11 सितंबर को, उनकी याद में जो वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नरलेप सिंह राय का नाम याद रखना, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी बनाए गए। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है प्रश्न आ सकता है, तो याद रखना कि इसका जो हेडक्वार्टर है नोएडा में है। स्थापना कब हुई थी, 1979 में हुई थी। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है, तो ये फोर्ड है। और इसी के साथ जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में उसको आंसर करते हैं। किस तारीख को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया था 7 सितंबर को। और क्वेश्चन नंबर 240 का आंसर देखते हैं, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, तो आंसर था इसका 1858। एक्चुअली में वायसराय वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था। और ये रहा फ्रेंड्स आज का प्रश्न, और इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा जरूर, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको याद दिला दें कि अगर लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे इसकी क्विज बनाकर हमने अपलोड कर दी है, क्विज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप एक बार विजिट करिएगा। तो फ्रेंड्स आप काफ़ी इंजॉय करेंगे इस क्विज को सॉल्व करते समय, और डेफिनेटली आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और ये प्रश्न फिर आपको भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए आप क्विज को लगाइएगा जरूर और बताइएगा कि ये क्विज की जो सीरीज शुरू की गई है वो आपको कैसी लग रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आता है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर भी क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।